हेलो गाइस, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। सो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बोट के पहले गेमिंग हेडसेट का, एंड इट्स द इमोर्टल 1000D। वेल, बोट वैसे तो काफ़ी फेमस है कंज्यूमर ऑडियो मार्केट में, और मतलब शायद बदनाम भी है, लेकिन पीसी गेमिंग में इनकी पहली एंट्री है अलॉन्ग विद द सेकेंड मॉडल 200D। आज फिलहाल हम लोग 1000D की बात करेंगे और साथ ही इसको कंपेयर करेंगे फैन फेवरेट एक्सा की E900 के साथ। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नोटिस की हमने और एक दो चीज़ें बात भी करनी थी इनके प्राइसिंग स्ट्रक्चर के बारे में, तो काफ़ी कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो वीडियो में ज़्यादा आगे जाने से पहले मैं आपको एक TLDW दे देता हूँ कि अगर आपको ये हेडसेट बाय करना है देन येस यू कैन गो फॉर इट, इट्स अ डिसेंट हेडसेट। अगर आपको बाय करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक वगैरह कर सकते हैं, ये उनके लिए था जिनको टाइम की कमी है और वो बस एक ओपिनियन जाना चाहते थे। अगर हम लोग लंबी चौड़ी बात करें तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ पॉइंट आउट करनी पड़ेगी, ये हेडसेट हमने थोड़ा लेट रिव्यू किया, इसको मेरे ख्याल से अभी 2-3 हफ्ते हो चुके लॉन्च हुए, और जब ये लॉन्च हुआ था तब इसका जो प्राइसिंग था वो था ₹2500, और आज जब मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ इसका प्राइस हो चुका है ऑफिशियली वेबसाइट में प्राइस इंक्रीज हो चुका है अप टू 500 रुपीज़। तो आपका ये हेडसेट अब 2500 का नहीं 3000 रुपये का हेडसेट है। आई डोंट नो वो उनकी जानबूझ के टैक्टिक थी कि वो मतलब कुछ दूसरा कुछ चेंज हुआ है। जो भी स्टार्टिंग के रिव्यूज़ आए थे उन्होंने उसको एक 2500 रुपीज़ के हेडसेट की तरह मतलब जज किया था या रिव्यू किया था उसका, तो हम लोग इसको एज अ 3000 रुपीज़ हेडसेट की तरह कंसिडर करेंगे। और हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की, बिकॉज आई थिंक बोट हैज़ डन सम मार्केट रिसर्च। जो इनका डिज़ाइन है ओवरऑल वो दिखने में अच्छा है, अनलाइक अदर कंपनीज जो अपने बजट गेमिंग हेडसेट डिज़ाइन करने के टाइम बच्चों को बुलाती है डिज़ाइन डिपार्टमेंट में, ये वैसा नहीं दिखता, ये काफ़ी सिंपल है। इसमें जो प्लास्टिक्स वगैरह यूज़ किए गए, जो मटेरियल्स वगैरह यूज़ किए वो थोड़े से सिंपल है डिज़ाइन में। तो सबसे पहले हम लोग हेडबैंड की बात करते हैं। जो हेडबैंड है वो इतना ज़्यादा कुशन ही नहीं है, और जो इसकी स्टिचिंग वगैरह है वो मतलब मुझे इतनी अच्छी हाई क्वालिटी की नहीं, लेकिन फॉर द प्राइस ये कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। एज़ फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी दिस इज़ फाइन, मतलब ये काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल है। जो इसका योक है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, लेकिन इसकी जो एल्यूमिनियम की क्वालिटी वो सबसे बेस्ट नहीं है। आई थिंक जो एक्सा का हेडबैंड है या योक है वो थोड़ी ज़्यादा बेटर क्वालिटी में है। एज़ फॉर द कलर, जो इन्होंने कलर चूज किया स्पेशली फॉर दिस ग्रे एंड व्हाइट मॉडल, आई थिंक उनका जो कलर स्कीम है काफी अच्छा है। आई लाइक द ब्राइट रेड केबल, द ब्राइट रेड केबल्स फॉर द ईयर कप्स, एंड जो ईयर कप्स का साइज है वो भी इट्स मीडियम, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है। एज़ फॉर द क्लैम्पिंग फोर्स ऑफ द ओवरऑल हेडबैंड एंड योक सिस्टम, यहाँ पे क्लैम्पिंग फोर्स थोड़ा ज़्यादा है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरा जो सिर है एटलीस्ट मेरे गाल है मतलब वो थोड़े ज़्यादा चौड़े हैं, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा क्लैम्पिंग प्रेशर लगा। लेकिन अगर आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है थोड़ा स्लिम है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट पर्सनली मुझे एक्सा E900 का क्लैम्पिंग फोर्स थोड़ा सा बेटर लगा, लेकिन आई एम श्योर कि इसके यूज़ के साथ इसका भी जो क्लैम्प फोर्स है वो कम हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ एडजस्टेबिलिटी यहाँ पे मैंने दो चीज़ें नोटिस की, एक तो पहली चीज़ कि यहाँ पे कोई स्विवल सपोर्ट नहीं है, यानी ये ईयर कप्स लेफ्ट टू राइट नहीं घूमते, सिर्फ ऊपर नीचे टिल्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम एडजस्टेबिलिटी के मामले में मुझे लगी कि इसके जो योक्स है वो वैसे तो एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इनको पहन लें एक बार उसके बाद इनको एडजस्ट करना एटलीस्ट मेरे सैम्पल में इम्पॉसिबल है। अगर मैं इनको पहन लूँ, अगर इसको मुझे टाइट करना है या लूज़ करना है तो मैं नहीं कर सकता, अगर मैं इसको ऊपर प्रेस करूँ ये नहीं मूव करने वाला। ध्यान रखिए ये एक फीचर नहीं है, इट्स एक्चुअली अ डिज़ाइन फ्लॉ, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको फ्रीडम ऑफ एडजस्टमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो सिर के ऊपर हो मतलब सिर के बाहर हो। ये यहाँ पे लॉक हो जाना ये बताता है कि जिसका हेडबैंड का अंदर का स्ट्रक्चर है वो इतना सॉलिड नहीं है, और जब आप इसको पुश करते हैं तो ये कहीं ना कहीं से बेंड हो रहा है। उन्होंने कलर स्कीम तो काफ़ी अच्छी चूज़ की इवन फॉर द केबल्स, लेकिन केबल्स एक्चुअली दिखने में काफ़ी ख़राब लगती है, बिकॉज ये ब्रेडेड केबल है तो मतलब अजीब से शेप में हो जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी रह जाती है। जो ईयरपैड्स है वो नॉर्मल अपने PU लेदर वाले हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इनके जो फोम है वो एक्सा E900 से तो बेटर है, लेकिन E900 प्रो से जहाँ तक मुझे पता है बेकार है, बिकॉज E900 प्रो जो मॉडल है जो इसका एक्चुअल डायरेक्ट कंपटीटर है वो उसमें मेमोरी फोम आती है, इसमें मेमोरी फोम नहीं है, लेकिन स्टिल सॉफ्ट इनफ, ओवर यूज़ मतलब ये थोड़ा ज़्यादा और सॉफ्ट हो जाएंगे। इनकी नॉइज़ आइसोलेशन अच्छी है, आपको ज़्यादा बाहर की साउंड्स नहीं आती बिकॉज ऑफ द गुड सील, लेकिन उसी सील की वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्म भी हो जाते हैं, तो अगर आपके कमरे में AC नहीं है, कोई अच्छी वेंटिलेशन नहीं है, तो आपको बार बार स्वेटिंग मतलब हो सकती है।
ये जो ईयरपैड्स आप इनको रिमूव नहीं कर सकते, जो मेरे ख्याल से एक मिस्ड फीचर है, बिकॉज किसी भी हेडसेट में सबसे पहली चीज़ जो खराब होती है वो ईयरपैड्स होते हैं। तो ईयरपैड्स रिप्लेसेबल मेरे ख्याल से हर हेडसेट में होना चाहिए, खासकर इस टाइप के हेडसेट में जिसमें पीयू लेदर वगैरह यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे ईयर कप्स पे एक बहुत ही अजीब सी प्रॉब्लम है कि मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि नॉर्मली हेडसेट्स में या फिर IEMs वगैरह ईयरफोन्स वगैरह में छोटे छोटे वेंटिलेशन होल्स किए जाते हैं ताकि वो साउंड को बेस को ट्यून कर सके। नॉर्मली वो नीचे होते हैं लेकिन यहाँ पे टॉप पे वो वेंटिलेशन होल है। तो मैं नॉर्मल गेमिंग कर रहा था एंड मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे कान में एयर की पास होने की आवाज़ हो रही है, जैसे मतलब जैसे आप लोगों ने कभी लो स्पीड से बाइक वगैरह चलाई तो जो हवा आसपास से गुजरती वैसी आवाज़ आनी शुरू हुई थी। मैं थोड़ा कंफ्यूज है कि कहाँ से आ रही है, देन आई रियलाइज कि जो होल्स हैं ये प्रॉब्लम उनकी वजह से आ रही है। तो अगर आपके सिर के ठीक ऊपर एग्जैक्टली ऊपर सीलिंग फैन है तो वो आपको सुनाई देगा। जो पहली बार मैंने नोटिस किया, इट वॉज समथिंग न्यू एंड आई थिंक इट्स अ डिज़ाइन फ्लो। इनके ज़रूर इंप्रूव करना चाहिए, उस वेंटिलेशन होल को नीचे की तरफ मूव करना चाहिए, कहीं साइड की तरफ मूव करना चाहिए। अब यहाँ पे ईयर कप्स में उन्होंने कोशिश की थी लिटरली शायद सिर्फ 1% कोशिश की आज भी इम्प्लीमेंट करने की, बिकॉज उन्होंने जो आज भी इम्प्लीमेंटेशन की है वो निहायती बकवास है। मतलब यहाँ पे सिर्फ उन्होंने लाल हरी और नीली बत्तियाँ लगा दी है और कुछ नहीं किया, सिर्फ एक इफेक्ट है। आप उसको या तो ऑन कर सकते हैं या तो ऑफ कर सकते हैं, उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो USB हेडसेट लगाने का फ़ायदा क्या हुआ एंड बहुत कुछ। केबल की बात करें तो इट्स वेरी बेसिक, मतलब इट्स अ ब्रेडेड केबल जो ऑनेस्टली मुझे नहीं पसंद, मुझे एक्सा की रबर केबल ज़्यादा पसंद है। माइक्रोफोनिक्स वगैरह कम है, मतलब एटलीस्ट मेरे कूलर मास्टर वगैरह से तो कम है, बिकॉज ब्रेडेड केबल्स का क्या नॉर्मली होता है कि वो ज़्यादा माइक्रोफोनिक्स करती है। केबल पे एक डोंगल भी है एंड जो डोंगल है वो एक्चुअली काफ़ी साइज में बड़ा है कंपेरेटिवली, मतलब छोटा डोंगल क्रिएट कर सकते थे वो लोग। यहाँ पे बटन्स है, कोई व्हील नहीं है जो मुझे देख के अच्छा लगा, बिकॉज जनरली बटन्स आर मोर रिलायबल, व्हील्स कभी कभार एक्सीडेंटली मतलब चेंज हो जाते हैं, आवाज़ ऊपर नीचे हो सकती है। ये जो केबल है ये रिमूवेबल नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से एक मिस्ड ऑप्शन है, बिकॉज इसका जो मेन कॉम्पिटिटर है एक्सा E900 Pro उसमें रिमूवेबल केबल्स है। इसका जो माइक है वो रिमूवेबल है और ये बहुत ही चमकीले सिल्वर कलर में है। डिस्क्रीट लुक में होता तो बेटर होता, लेकिन चलो ठीक है, उनकी चॉइस थी अपनी, बट इट्स अ गुड माइक इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बिकॉज आई हैव सीन कि महंगे कुछ हेडफोन से भी इतने फ्लेक्सिबल माइक्स नहीं होते, तो इसकी पोजिशनिंग वगैरह करना आसान है। लेकिन ये माइक सिर्फ अकेला माइक नहीं है इस हेडफोन में, बिकॉज देयर इज ऑल्सो एन इनबिल्ट माइक ऑन दिस हेडफोन। ये नॉर्मली डेस्कटॉप पे रहेगा, तो आई डोंट नो क्या रीज़न था उनके दो माइक्स यूज़ करने के, लेकिन एटलीस्ट इट्स अवेलेबल। और आपको अगर आपका बाय चांस कभी ये माइक खराब हो जाता है देन यू कैन रिलाई ऑन दैट वन। एज फॉर द माइक्स साउंड क्वालिटी, ये रहा एक साउंड टेस्ट। बहुत जान है तेरे हाथों में, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे दे। बहुत जान है तेरे हाथों में, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे दे। बहुत जान है तेरे हाथों में, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे दे। बहुत जान है तेरे हाथों में, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे दे। बहुत जान है तेरे हाथों में, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे दे। बहुत जान है तेरे हाथों में, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे दे। बहुत जान है तेरे हाथों में, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे दे। बहुत जान है तेरे हाथों में, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे दे। एक USB हेडसेट है तो आपको डायरेक्टली इसको PC के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा एंड आई थिंक जनरली 3.5 mm वाले हेडफोन्स थोड़े से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी, आप किसी भी डिवाइस के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि USB डिवाइसेस में थोड़ी सी ज़्यादा पावर आती है एंड वो कंसिस्टेंट रहते हैं इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी। एंड यहाँ पे मैं साउंड को कंपेयर करूँगा हमारे एक्सा के E900 के साथ। ध्यान रखें, इट्स द E900 नॉट द E900 Pro, बिकॉज वो मेरे पास है नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है E900 और E900 Pro की साउंड सिग्नेचर या साउंड ओवरऑल सिमिलर है। इन टर्म्स ऑफ साउंड हम लोग इसके दो हिस्से में बात करते हैं, एक म्यूजिक की और गेम्स की। सबसे पहले म्यूजिक की बात करते हैं एंड दिस हेडफोन इज एक्चुअली डीसेंट। इसमें जो ट्रेबल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है कम्पेयर टू द E900। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा मिड बेस है, यहाँ पे आप लगा लीजिए इम्पैक्ट ज़्यादा सुनाई देता है बेस का, लेकिन वो रंबल नहीं होता। जैसे रंबल यानी वाइब्रेशंस आप समझ सकते हैं, जो वो बहुत ज़्यादा लो नोट्स होते हैं ना वो इतना हिट नहीं कर पाता, वो एक्सा में ज़्यादा है। साउंड स्टेज के मामले में ये बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है लेकिन इट्स स्टिल फाइन। इमेजिंग मतलब जो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मतलब सुनते हैं तो वो लेफ्ट और राइट में काफ़ी अच्छी तरह सुनाई देते हैं, लेकिन वो सेपरेशन नहीं, मतलब वो आपको अगर बहुत ज़्यादा गाना कॉम्प्लेक्स हो जाता ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गाना, तो दोनों ही हेडफोन्स में थोड़ी सी
खिचड़ी ज़रूर बन जाती है गाने के मतलब टोन्स के बीच में, या फिर आप लगा लीजिए सेपरेशन वगैरह कम हो जाता है गाने में। अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ, एक्सा को EQ करने के बाद वो ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है, वो ज़्यादा उसमें ट्रेबल काफ़ी अच्छी हो जाती है कम्पेयर टू दिस वन। सो अगर से मुझे म्यूज़िक हेडफोन्स चूज़ करने होते ना, तो मैं ऑनेस्टली उसको प्रेफर करता, बिकॉज उसका जो साउंड सिग्नेचर है वो ज़्यादा स्मूथ है, उसमें ज़्यादा म्यूजिकैलिटी है, जैसे कुछ ऑडियोफाइल्स लोग कहते हैं, लेकिन जो भी है वो एक्चुअली सुनने में ज़्यादा स्मूथ लगता है, ज़्यादा सुरीला लगता है। साउंड स्टेज इसका थोड़ा सा नैरो है, इट्स नॉट वेरी वाइड। एक्सा में भी सेम प्रॉब्लम है, उसका भी उसका जो साउंड स्टेजिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिर के आसपास है, लेकिन एक्सा में एक बेनिफिट ये आ जाता है कि उस बिकॉज ऑफ द बेस, जब आप कोई ग्रेनेड्स वगैरह फेंकते हैं या फिर कोई बड़े कोई ऐसी साउंड आती है जिसमें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट है, बहुत ज़्यादा लाउड है, वो एक्सा में सुनने में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगती है। किसी भी टाइप की पोजीशनिंग में ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। ऑब्वियसली ये किसी हाई एंड हेडसेट, किसी हाई एंड गेमिंग हेडफोन जैसे तो नहीं है। अब आप में से कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा या स्पेक्स वगैरह पढ़ने का टाइम देखा होगा कि ये जो हेडफोन्स है 7.1 चैनल ऑडियो भी सपोर्ट करते हैं, एंड इट ऑल्सो हैज़ ऑफिशियल डॉल्बी एटमोस सपोर्ट, जो ठीक है, मतलब अच्छा लगा उन्होंने डॉल्बी एटमोस के साथ कुछ पार्टनरशिप वगैरह की, मे बी कुछ बाद में फ्यूचर में इंप्रूवमेंट्स हमें मिले, लेकिन फिलहाल इस जो हेडफोन्स के जो ड्राइवर्स हैं, यानी इसमें जो साउंड क्वालिटी है वो इतनी रिफाइंड नहीं है कि वो डॉल्बी एटमोस का कुछ एडवांटेज ले सके। पहली बात तो ये कि इनका खुद का भी एक सॉफ्टवेयर है, बोट प्लगइन्स वगैरह, प्लगइन्स लैब वगैरह, जो दिखने में इतना बेकार है, सच बताऊं ऐसा लगता है कि 2002 से किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुला के इन्होंने डेवलप करवाया, लेकिन उसमें ऑप्शंस है, आपको थोड़े से ऑप्शंस ढूंढने पड़ते हैं, बहुत ही बेकार ही हुआ है, लेकिन इट हैज़ द ऑप्शंस। अगर बाय चांस आपका पीसी डॉल्बी एटमोस सपोर्ट नहीं करता तो आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। एंड एक और चीज़, डॉल्बी एटमोस और प्लगइन को आप एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, आपको अगर डॉल्बी एटमोस इंस्टॉल करना है तो प्लगइन को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अब डॉल्बी एटमोस का जो एक्सपीरियंस था वो सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा माइनर इफेक्ट डालता है साउंड में, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना पड़ता है इफेक्ट सुनने में के लिए। कुछ कुछ गानों में थोड़ी सी साउंड स्टेज ओपन लगती है, थोड़े से मतलब आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा वाइड हो गई साउंड, लेकिन वो बहुत ही माइनूट सा इफेक्ट है और जनरली बहुत लाइक 99% ऑफ द ऑडियंस को नहीं पता चलेगा। मूवीज़ में मैंने 7.1 ट्राई किया, बेकार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसके सिंपल सी बात है, दो ड्राइवर 7.1 को अच्छी तरह नहीं रेप्लिकेट कर सकते अनलेस बहुत ज़्यादा कुछ मतलब डेडिकेटेड इक्विपमेंट आप यूज़ नहीं कर रहे। तो फाइनली इसके रिव्यू को कंक्लूड करते हैं, और मैं सबसे पहले ओपिनियन देना चाहता हूँ कि आई थिंक ये हेडफोन उनका पहला ट्राई होने के बावजूद ठीक है, इट्स अ डिसेंट हेडफोन। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग वगैरह लाया गया है, जितनी हाइप इसको मिली उतना ज़्यादा हाइप एक्चुअली सेंस नहीं बनता, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी गुड ऑप्शंस लाइक एक्सा E900 या E900 Pro या फिर JBL का क्वांटम 100 वगैरह, या फिर अगर हम लोग बिकॉज ये 3000 रेंज में आ चुका है तो हम लोग कूलर मास्टर MH630 वगैरह की बात भी कर सकते हैं, HS50 वगैरह जो काफ़ी अच्छे प्राइसेस में आजकल आने शुरू, वो भी मतलब एक प्रीमियम ब्रांड से आपको ऑप्शंस मिलने शुरू हो जाते हैं इस प्राइस रेंज में। मेरे ख्याल से इनको क्या करना चाहिए था कि इनको वो डॉल्बी एटमॉस वगैरह 7.1 चैनल वगैरह सब कुछ हटा के लिटरली इसको ₹1000 सस्ते में मार्केट करना चाहिए था, लॉन्च करना चाहिए था, एंड उस प्राइस रेंज में आई थिंक इट वुड हैव बीन अ ग्रेट डील, बिकॉज इसकी जो साउंड क्वालिटी इट्स फाइन। इनकी मार्केटिंग कुछ ज़्यादा ही ओवरहाइप थी, वो अगर बेटर करते तो ज़्यादा बेटर, मतलब मेरे ख्याल से साउंड वगैरह थोड़ा ज़्यादा ठीक कर सकते थे। उन्होंने मार्केटिंग वगैरह पे डॉल्बी एटमोस इम्प्लीमेंटेशन वगैरह में RGB बेकार से RGB के इम्प्लीमेंटेशन वगैरह में सारे पैसे खर्च कर दिए, तो अगर वो सब नहीं करते तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती, इसका परफॉर्मेंस पर रुपया जो है वो स्केल थोड़ा सा बेटर हो जाता। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस हेडफोन के बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो के बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। बाकी अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, या आप अगर एक्सा भी परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारी रेफरल लिंक भी होगी बेटे मौज कर दी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा डिस्काउंट लेने के लिए एक्सा की वेबसाइट पे। और जी, बाकी अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं चैनल को सपोर्ट करने के लिए तो आप ज्वाइन बटन क्लिक कर सकते हैं, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहें। मैं मिलूंगा आपको अगली बार, टिल देन बाय। ये जो मेन केबल है ये रिमूवेबल, इसका माइक रिमूवेबल बार बार।